जय महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरचा उपमल राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. या कार्यक्रमामध्ये आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी 99% खरी उतरत असते. आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवर आपण बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. पंडितजी, इस शो में आपका स्वागत. आज हम कुछ खास विषयों पर बात करने वाले हैं, कुछ खास चर्चा करने वाले हैं. हम देख रहे कि जो राजकारण की सब परिस्थिति है वो अलग मोड पे दिख रही है, एक अलग स्वरूप है. इस बार क्या कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी का साथ छोड़ सकती है क्या? देखिए, ये आपको जानकर हैरानगी होगी कि सिर्फ राजमंत्र और जय महाराष्ट्र ही एक ऐसा चैनल है जिसपे इस तरह के राजनीतिक भविष्य के ऊपर सवाल किए जाते हैं. आज जिस तरह सरकार बनी, पहले 22 तारीख की डेट थी, फिर 30 तारीख की डेट हो गई, आज 5 दिन से जिस तरह खाते जो हैं अभी तक बांटे नहीं गए, मगर कांग्रेस को आज कुछ खातों की मेरा ख्याल से बांट दिए गए हैं कुछ खाते कांग्रेस के, जैसे चर्चा है ये, जैसे बोलते हैं कि अशोक चव्हाण को PWD मिल गई है और यशोमती को महिला विकास मिल गया. कुछ चैनलों के ऊपर मैं पढ़ने के बाद में आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ, पर सत्य क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं है. अब आपके सवाल के ऊपर आते हैं जो बहुत ही सुंदर और बहुत पेचीदा भी है. ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि इसको जवाब देने के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, मगर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं पिछले 28 से 30 सालों में इसी के ऊपर जवाब देते आया हूँ. अब नेशनल एनसीपी की बात करें तो एनसीपी का गठन हुआ 27/5/1999 को. तुला राशि है, शरद पवार साहब की मेष राशि है. अब एनसीपी और शरद पवार साहब की जो बात करें, जिन्होंने एनसीपी का गठन किया, तो एक बात पक्की है, तुला और वृश्चिक राशि के ऊपर साढ़े सती खत्म हो चुकी है और वृश्चिक पे 20 तारीख को खत्म होगी. और इस वक्त आज की अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना की का गठन जो है 19 जून 1966 को स्वर्गीय माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने रखा, जिसकी मिथुन राशि है. तो मिथुन लगन है, बुध लगन में बैठा हुआ है, जिसके कारण बुद्धिमता से उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गए. अब दशा जो लगी हुई है, बुध की ही दशा लगी हुई है 2018 से. शिवसेना की कुंडली की बात करता हूं और उद्धव की कुंडली की बात करें तो उनकी कुंडली में इस वक्त गुरु की महादशा लगी हुई है. अब कांग्रेस की कुंडली जब हम मानते हैं तो कांग्रेस की कुंडली में भी इस वक्त बहुत ही अच्छे ग्रह दशा चल रहे हैं. कांग्रेस का जन्म 1/1/1978 को हुआ. श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई और हाथ इसका जब भी उन्होंने वो किया तो उसमें कन्या राशि है. एक बात पक्की है, हम जब भी अगर आपको याद होगा तो मकर लगन है इनका, और इन जब हम तीनों पार्टियों के अध्यक्षों की बात करते हैं तो शरद पवार साहब की बुध की महादशा लगी हुई है, एनसीपी की बुध की महादशा लगी हुई है, शिवसेना की बुध की महादशा लगी हुई है, कांग्रेस की गुरु की महादशा लगी हुई है और सोनिया गांधी मैडम जो है उनकी केतु की महादशा लगी हुई है. जब कोई भी शादी होती है तो उसमें गुण मिलाते हैं, आपको याद है जी, कि भाई 36 में से कितने गुण मिले, लड़का मांगलिक तो नहीं है, लड़की को मंगल तो नहीं है. ये सब चीजों का जब हम कंपेटेबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली कांग्रेस आई जो है गुरु की महादशा और उनके सामने एनसीपी की बुध की महादशा और शिवसेना की एनसीपी की बुध की महादशा, तो इनकी कंपेटेबिलिटी 18 गुणों से कम मिलती है. 36 में से 18 गुणों में कम मिलती है, इसलिए डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में, एक बात ध्यान से सुनिए, मैं तो सबसे पहले यही चाहूंगा कि महाराष्ट्र को स्थिर और कंटिजियस सरकार मिले जो कि महाराष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़े, मगर जिस तरह की तिकड़ी सरकार बनी है उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी इसलिए है
कि ज्योतिष के माध्यम से जो भविष्यवाणियां मैंने पिछले कई सालों से की उनमें से भगवान की कृपा से आप 99% बोलते हो, 90% सही हुई, मौली और मौला और साईं इनकी कृपा बहुत अच्छी रही। यहां पर एक बात देखनी जरूरी है कि बुध और गुरु मित्र नहीं है, बुध और गुरु मित्र नहीं है दोनों ग्रह, ये दोनों आपस के शत्रु हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसमें कोई ना कोई अड़ंगा डाल सकती है आगे आने वाले दिनों में। मिसिस गांधी जो है, या कांग्रेस की अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो मैं अभी भी बोलते आया हूं जब से 22 तारीख का मुहूर्त निकाला था, फिर 30 का शपथ विधि का मुहूर्त भी मैंने कुंडली बनाई है, अप्रैल से लेकर मतलब 20 तारीख को शनि बदलेगा, 20 तारीख को शनि बदलने के बाद अप्रैल तक या मैक्सिमम जून तक इस सरकार में कुछ ना कुछ अड़चने जरूर आएंगी। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब इस सरकार को कठोरता से, सौम्यपन से, जैसे उनकी नेचर है, और पवार साहब की बुद्ध की महादशा है जो कौटल्य और चाणक्य नीति से सरकार चलाने में कामयाब हों, मगर कंपैटिबिलिटी बना लेना। जब हम कंपैटिबिलिटी का निर्माण करते हैं तो डेफिनेटली 3 से 4 महीने इनके लिए चुनौतियों भरे हैं। अगर जून पार कर गया तो यह सरकार अगले 2 साल भी चल सकती है, क्योंकि मिड टर्म पोल अगले 1.5 से 2 साल में महाराष्ट्र को वापिस देखने पड़ सकते हैं। जी, ये जो बातचीत है ये ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और ये जो बातचीत है वैसे ही आगे बढ़ती रहेगी। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक नंतर राजमंत्र मध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। एक यानंतरचा जो असा प्रश्न आहे तुम्हाला विचारायचा आहे, गुरुजी ये जो सब सरकार चलाने की जो बात है, आपने भी प्रार्थना की कि ये सरकार अच्छी तरह से चलाए, लेकिन जो दो व्यक्तित्व है, एक है नए कैबिनेट मिनिस्टर विश्वजीत कदम और अमित देशमुख, इनका ये सरकार चलाने में क्या योगदान रहेगा, कैसा इनका भविष्य रहेगा, क्या बताओगे? देखिए, अमित देशमुख स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी के सपुत्र हैं जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उनकी याद आज भी चाहे विरोधी हों चाहे सत्ता में हों, लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनके कर्तृत्व को, उनकी एबिलिटी को, उनकी क्रेडिबिलिटी को लोग सलाम करते हैं। और उसी के साथ में दूसरे विश्वजीत कदम जो हैं वो स्वर्गीय पतंगराव कदम के पुत्र हैं। दोनों की पार्श्वभूमि देखी जाए, दोनों की बैकग्राउंड देखी जाए तो राजनीतिक है, और दोनों का नाम जो है बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं अमित देशमुख की, जो 21/3/1976 को उनका जन्म हुआ, रविवार का जन्म दिन है और वृश्चिक राशि है। मित्रों, वृश्चिक राशि के ऊपर 20 तारीख को शनि की महादशा, शनि की साढ़े सती खत्म हो जाती है, इसलिए अगर हम अमित देशमुख की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली इनका अगला आगे का भविष्य बहुत ही अच्छा है। और राजमंत्र में हमने धीरज देशमुख और अमित देशमुख की विजय के लिए भविष्यवाणी की थी, अगर आपको याद हो, बहुत से लोगों ने बधाई भी दी थी। आज की अगर हम बात करें तो अमित देशमुख की कुंडली में शुक्र की महादशा लगी हुई है, शुक्र में इनके बुध चल रहा है, और 20 तारीख से शनि की साढ़े सती खत्म हो जाती है। मैं तो यहां तक देखता हूं कि 20/7/2021 से लेकर 20/7/2027 तक इनके ऊपर सूर्य की महादशा लगेगी। सूर्य इनका जो है वो बहुत ही उज्ज्वल और बहुत ही उच्च का बैठा हुआ है और 12वें घर में बैठा हुआ है। मुझे तो अमित देशमुख जो है अगले 8 से 10 सालों में एक बार महाराष्ट्र का एज ए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हुए भी महाराष्ट्र का जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इस तरह की कुंडली है, जैसे विलासराव देशमुख जिस तरह से बने थे, डेफिनेटली उनके पुत्र भी जो है इस तरह की कुंडली उनके ऊपर दिखाए, उनकी कुंडली है, और बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। अगले 8 से 10 साल बहुत ही अच्छे हैं, 51 ईयर तक की उनकी जो एज है 2027 तक। अब विश्वजीत कदम की बात करें तो 13 जनवरी 1981 मेष राशि, इनको भी एक कैबिनेट, इनको भी राज्य मंत्रालय मिला है, और अमित देशमुख को जो है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है। इन दोनों के लिए कुंडली का अगर हम निर्माण करते हैं तो विश्वजीत कदम जो है उनको
एक अर्धकाल सर्प पूजा, काल सर्प पूजा करवानी चाहिए। इनका अगला भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। पतंगराव महाराष्ट्र में हमेशा चमकते रहे, हमेशा मंत्रालय में रहे, और मुझे ये लगता है कि विश्वजीत कदम जो है ये भी किसी भी तरह की इनकी कुंडली में कोई कमी नहीं है। और यहाँ तक आगे जाकर मंगल की महादशा इनकी 21/10/2021 में शुरू होती है, तो ये आगे जाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और केंद्र में भी बड़े मंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र में भी इनका रुतबा छोटा नहीं होगा, क्योंकि इनकी कुंडली में मंगल की महादशा जब लगेगी 21/10/2021 से लेकर 21/10/2028 तक, इनके जीवन में भी बहुत बड़ी पदवी, और वैसे भी ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी इनकी कुंडली में 2028 तक सुंदर राजयोग का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। दोनों की कुंडली में महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए आगे कम से कम 15 से 20 साल में राजयोग का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। जी, इनके लिए तो राजयोग का निर्माण है, लेकिन मुझे आपको अगला सवाल जो पूछना है, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस का गठबंधन का सरकार है, और इनके साथ अन्य कुछ घटक पक्ष है। इन घटक पक्षों में से एक महत्वपूर्ण जो नाम है वो नाम है बच्चू कड़ू। इनका भविष्य कैसे रह सकता है, ये महाराष्ट्र के योगदान के लिए या सबूल से ये क्या पेश कर सकते हैं? देखिए, ओम प्रकाश नाम है इनका, बच्चू कड़ू, जैसे बचपन में नाम बोलते हैं कुछ लोग, बच्चों के नाम होते हैं, तो इनका इनका नाम बच्चू कड़ू के नाम से ये फेमस होते हैं। 5 जुलाई 1970 इनका डेट ऑफ बर्थ है और कर्क राशि है। कर्क राशि, एक बात ध्यान से सुनिए, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक और कर्क राशि और कर्क लगन, इवन राहुल जी का कर्क लगन है, और बहुत से बड़े बड़े वर्ल्ड के नेता जो हैं उनका 50% लोगों का कर्क लगन होता है। बच्चू कड़ू पिछली सरकार में भी अपनी भूमिका निभा रहे थे और इस बार फिर उनको शिवसेना में ज्वाइन किया उन्होंने और राज्य मंत्री का पद मिला। आगे आने वाले दिनों में, आपका सवाल ये था क्योंकि किसी बहुत बड़े 25-30 दर्शकों का सवाल था कि क्या ये सरकार के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ जी, जी, सवाल है ना आपका, कि क्या ये सरकार के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्या ये सरकार के लिए कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते हैं। कन्या लगन, शुक्र और चंद्रमा, रवि और मंगल इनके सुंदर बने हुए हैं, बचपन से ही मेधावी, 24 घंटे में से 20 घंटे काम करने वाला बच्चू कड़ू, जिसका नाम ओम प्रकाश है। शुक्र की महादशा 9/11/2006 से लगी, 9/11/2006 से उनकी जो शुक्र की महादशा लगी तो उनका भाग्य उदय तो शुरू हो गया 29 साल की उम्र में 9/11/1999 से। परिश्रम करने वाले इस व्यक्ति को मैं तो सलाम करता हूँ। एक बात पक्की है, डेफिनेटली ये किसी भी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे, ना ही सरकार के लिए कोई बाधा खड़ी करेंगे। इनफैक्ट मैं तो यहां तक ये समझता हूं कि उद्धव जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर ये शिवसेना को मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं भी इनकी कुंडली में षड्यंत्रकारी योग नहीं बनते हैं। आगे आने वाले दिनों में ये राष्ट्र का और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता बनता हुआ दिखाई देता है, पर्टिकुलरली गरीब जनता के लिए कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जी जो हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। जी, ओम प्रकाश जी जो है, जिन्हें बच्चू कड़ू कहा जाता है, वो महाराष्ट्र के हित में काम करेंगे। हमने महाराष्ट्र की बात की, लेकिन देश के हिसाब से हम आगे की बात रखेंगे। क्या इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस वक्त जो ननकाना साहब में गुरु नानक साहब के गुरुद्वारे के ऊपर जिस तरह से वहाँ पर लोगों ने पथराव किया, ये बहुत बड़ा किस्सा है। पूरे विश्व के सिख समुदाय को पाकिस्तान ने नाराज कर दिया है, नंबर वन। नंबर टू, 370 के बाद में ये सब घटनाएं बहुत ज़रूरी है यहाँ पर संकेत देने। 370-35A के बाद में जिस तरह का माहौल आज के दिन कश्मीर में है, वहाँ पर बेशक कुछ जगहों पे SMS सर्विसेज खोल दी गई है, इंटरनेट खोल दिया गया है, मगर अंदर खाते जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो इन्फ्लेटेशन कर रहा है, जिस तरह से उग्रवादियों को भेज रहा है, डेफिनेटली एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल
और हमारे गृह मंत्री जो इस वक्त सक्षम है कोई भी कदम उठाने के, वो पाकिस्तान को एक नया सबक सिखा सकते हैं। सूर्य और शनि, सूर्य इस साल का, क्योंकि हमारा नव वर्ष जो है वो गुड़ी पाड़वा को शुरू होता है, ध्यान रखें, उसके बाद मंगल और चंद्रमा राजा और मंत्री होंगे। 2019 के राजा जो थे वो सूर्य और शनि थे। सूर्य आत्मा है और शनि जो है वो देव ग्रह नहीं है। कहीं ना कहीं इन दोनों की युति अच्छी नहीं है। मार्च और अप्रैल में जब भी ये नया साल हमारा होता है उससे पहले कम आसार है, मगर मंगल और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन है और मंगल अंगारक है, अप्रैल मई जून में ये घटना आपको दिखेगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत में इस बार छोटा मोटा बालाकोट वाला युद्ध नहीं होगा। इस बार भारतीय फौज सेनाएं जो हैं 71-72 के युद्ध की तरह अंदर जाकर कोई ना कोई बड़ा कारनामा करती हुई दिखाई देती हैं और पाकिस्तान को इसमें मुंह की खानी पड़ सकती है। पाकिस्तान का जो वहां पे नुकसान होगा, और एक बात ध्यान से सुनिए, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पीओके है वो भी इंडिया जो है पाकिस्तान की गलत हरकतों की वजह से पाकिस्तान को खोना पड़ सकता है और इंडिया के हाथ में आता हुआ दिखाई देता है। मगर ये जो रेस्टलेसनेस है ये भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कश्मीर में रेस्टलेसनेस अभी भी है और ये साल डेढ़ साल रहने वाली है, जब तक उसके अगला संबत जो है, उसके अगला शक जो है वो आता नहीं है। मंगल और चंद्रमा में भी वहां पर तकलीफें शुरू होती हुई दिखाई देती हैं, कोई ना कोई तकलीफ कश्मीर में आएगी। अभी रिसेंटली कल परसों ही हमारे महाराष्ट्र के एक जवान शहीद हो चुके हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि वहां भी शांति हो, मगर शांति जैसा कुछ वहां पे दिखाई देता नहीं है। थिंग्स आर वेरी बैड इनसाइड कश्मीर। नक्कीच आपण पाहतोय की ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या जरा आपल्याला दुखावणाऱ्या आहेत, थोड्याशा हलक्या वाईट स्वरूपाच्या आहेत असं पंडितजींनी सांगितलंय। आपण ही बातचीत तशीच सुरू ठेवणार आहे, तो वेळ झाली छोट्याशा ब्रेकची। राजमंत्रमध्ये एक छोटासा ब्रेक, लगेचच परत येतोय, पहा फक्त जय महाराष्ट्र। ब्रेकनंतर तुम्हाला सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। आपण पाहतोय राजमंत्र। पंडितजी, मुझे अगला सवाल जो आपको पूछना है, इंडिया पाकिस्तान की तो आपने बात की, लेकिन ईरान और अमेरिका में क्या स्थिति है, इनमें युद्ध हो सकता है? ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय सवाल है और इसके ऊपर पूरे विश्व की नज़र गड़ी हुई है। तीन दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी अमेरिकन सेनाओं को ये आदेश दिया और वहाँ के टॉप के कमांडर बगदाद में जनरल सुलेमानी का को मार गिराया, अपाचे हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर अटैक किया गया, अगर आपको आपने पढ़ा होगा जी। और ये ईरान के लिए बहुत ही डेफिनेटली एक चैलेंजिंग है, चुनौती भरा है। इस वक्त जो ग्रह दशा है वो उसका निर्माण आप देख लीजिए, क्योंकि नवें घर में इस वक्त, विश्व के नवे घर में, नवा घर भाग्य स्थान होता है, इस पूरे ब्रह्मांड के नवे घर में जो भाग्य स्थान होता है उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का वातावरण बना हुआ है जो कि गुरु के साथ बुध है, शनि के साथ सूर्य है, चंद्र, और अजीब तरह के माहौल बने हुए हैं। समझ लीजिए कि 5 फरवरी से पहले पहले, कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है, वर्ल्ड वॉर होने के योग बिल्कुल नहीं है। अमेरिका अपना तेल लेने के लिए इन देशों के ऊपर अटैक कर रहा है। कहीं ना कहीं ईरान रशिया के साथ में दोस्ती है उसकी, क्योंकि कुछ देशों में तो बिल्कुल किसी तरह की कोई उनके पास में सेना नहीं थी, किस तरह का असला नहीं था, किस तरह के एरोप्लेन नहीं थे, तो भी उन्होंने अमेरिका के साथ में युद्ध किया और बुरी तरह हारे, जिसमें सीरिया है, इजिप्ट है, इराक है। मगर ईरान के साथ जो युद्ध होगा वो लंबा चल सकता है, कम से कम 1.5 से 2 महीने चल सकता है, जिसकी आशंका है कि 5 या 10 फरवरी के पहले ये युद्ध जो है
डेफिनेटली आपके सामने दिखाई दे सकता है, जिसमें रशिया भी भागीदार होगा। रशिया और ईरान इकट्ठे अमेरिका के ऊपर कोई ना कोई घात कर सकते हैं और अमेरिका जो है वो इनके ऊपर घात कर सकता है। इसमें युद्ध होने के पूरे पूरे योग कुंडली के हिसाब से, क्योंकि विश्व की कुंडली में नवें घर में 5 ग्रह बैठे हुए हैं जो बिल्कुल कहीं ना कहीं युद्ध का संकेत देते हैं। जी, ये सब बातें आपने रखी। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, तुमच्या सगळ्यांचं प्रेम असतंच, तुम्ही सगळे जण राजमंत्र या कार्यक्रमावर खूप प्रेम करता, तुमच्या प्रतिक्रिया सांगता, आभार व्यक्त करता। आपला एक आणि यासोबतच जाता जाता फक्त एकदा शेअर मार्केटवरती आपण नजर टाकणार आहोत, पंडितजी सांगतील। हे बहुत लोगों का प्रेम है इस पर्टिक्युलर सेगमेंट के साथ। शेअर मार्केट में घिसरण चालू है, 41,000 भी तोड़ सकता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 40,600 तक नीचे का स्तर आ सकता है, ऊपर का स्तर 41,700 तक जा सकता है। निफ्टी एनएससी जो है वो 13,000 से ऊपर नहीं जाता दिखाई देता। नीचे का स्तर जो है वो 11,800 तक आ सकता है, क्योंकि 12,200 तक चल रहा है। तेल के भाव यहां से 5,000 के ऊपर पर बैरल हो सकते हैं, जिस तरह से ईरान और यूएसए में झगड़ा चल रहा है। तेल लेकर रख लीजिए, अगले एक महीने में कम से कम आपको $8 से $10 की कमाई दे सकता है। जी जी, धन्यवाद। और जो दर्शक है जिन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, आभार व्यक्त किए, उनके हम नाम पढ़ेंगे। सुरेश शिंदे है, गणेश देशपांडे है पुणे से, सुनील समगम, हर्षित जैन, वैभव मुळे मुंबई से है, निलेश पाटिल धुड़े महाराष्ट्र से, संजय भद्रे वर्धमान बनकर, उसके साथ कोमल वहाटकर और अक्षय गायकवाड़। इन सभी दर्शकों ने हमसे साथ प्रतिसाद किया है, उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आणि यासोबतच तुम्ही भरभरून प्रेम करत असता राजमंत्रवर या लोकप्रिय कार्यक्रमावर, तुमच्या प्रतिक्रिया देत असता, हा कार्यक्रम इथेच आपण या कार्यक्रमाचा समारोप करतो आहोत। पंडितजी राजकुमार शर्मा आपल्या सोबत होते, त्यांनी विविध विषयांवर आपल्याशी संवाद साधलाय, अनेक प्रश्नांना उत्तरं दिली आहेत। पुन्हा एकदा नव्या प्रश्नांसोबत भेटूयात, तोपर्यंत पाहत रहा जय महाराष्ट्र। We'll be right back.